इलेक्ट्रिकल केटल आप देखे होंगे घरों में यूज होता है पानी, चाहे वो मतलब गर्म वर्म करने के लिए पानी वगैरह। तो इलेक्ट्रिकल केटल है और उसके पास टू क्वाइल्स है, वन ऑफ द क्वाइल कनेक्टेड टू एसी सोर्स इन वाटर बॉयल करना 10 मिनट में। मतलब इलेक्ट्रिकल केटल अगर दो क्वाइल है, दो क्वाइल से कनेक्ट कर, दो क्वाइल है उसके पास, तो एक क्वाइल अगर कनेक्ट करते हो तो वाटर बॉयल करता है 10 मिनट्स में, और जबकि अदर करते हो तो वो 40 मिनट्स में बॉयल करता है। ठीक है, तो ये कहता है बोथ क्वाइल कनेक्टेड इन पैरेलल देन द क्वांटिटी द सेम वाटर कितने टाइम में बॉयल होगा। तो इसमें तीन केस है बच्चों, ठीक है। पहले केस में, हाँ पहले केस में एक क्वाइल से, ये मान लो एक क्वाइल है, इससे एक, हाँ मतलब यहाँ केटल है ऐसा कुछ, पानी इसमें बॉयल कर रहे हो, ऐसे समझाने के लिए ये प्लस माइनस, ये भी वोल्ट की बैटरी है। तो इस क्वाइल के पास रेजिस्टेंस R1 है, पहले केस को सॉल्व करते हैं, और पानी जो है वो 10 मिनट में बॉयल हो जाता है, और इस एसी सोर्स बोथ आर कनेक्टेड टू सेम एसी, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्टेड टू एसी सोर्स, 10 मिनट में पानी बॉयल हो गया। ठीक है, अदर कनेक्टेड दूसरा पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे पल। चलो, तो पहले पार्ट में अगर देखोगे तो 10 मिनट में अगर वाटर बॉयल होता है, और तीनों केस में वाटर बॉयल होता है, तीन केस होता है। पहले क्वाइल L1 से कनेक्ट करते हैं, L1 से तो रेजिस्टेंस R1 होगा, तो पानी जो बॉयल हुआ वह 10 मिनट में, दूसरे में कनेक्ट किए तो 40 मिनट्स में बॉयल हुआ। फिर दोनों क्वाइल को एक साथ कनेक्ट करें तो फिर देखते हैं कितने टाइम में वाटर बॉयल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ पानी को हमें बॉयल करना है। तो इन तीनों केस में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज हीट गिवेन, मतलब पानी जीरो से जो भी है फिक्स टेम्परेचर होगा उसका, रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस लाने में हीट एनर्जी सेम है। तो इन तीनों केस में हीट एनर्जी सप्लाइड सेम है। तो पहले अगर केस में अगर मैं बात करूँ, पहले केस में तो हीट H इज इक्वल टू I² RT होता है। ठीक है, I² RT, I = V² / R² R (T). तो यहाँ से आ जाएगा V² / R और टाइम टी। तो पहले केस के लिए हीट H1 = V² रेजिस्टेंस R1 टाइम T1। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए टाइम दिया हुआ पहले केस में 10 मिनट, दूसरे केस में सेकंड केस, इसको यहाँ ऐसे रहने देते हैं। सेकंड केस में दूसरे क्वायर को लग कनेक्ट कर देते हैं, तो हीट जनरेटेड सेम है और बैटरी सेम है, तो रेजिस्टेंस R1 और यहाँ R2 मान लो स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं रहेगा R2, और टाइम T2, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। और दूसरे केस में टाइम T2 दिया हुआ है, देखो टाइम T2 दिया हुआ है ये दूसरे केस में, यहाँ 40 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 40 मिनट्स ये। अब अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, समझ रहे हो ना, अगर यहाँ मैं एक क्वायल, ये जो क्वायल है और फिर ये दूसरा क्वायल है, और इसके साथ अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं फिर पानी को बॉयल करते हैं ऐसा कुछ पैरेलल, तो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है। फिर सेम बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी, सेम बैटरी लगा लेते हैं। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ थर्ड केस के लिए अगर इक्वेशन लिखता हूँ, तो हीट जनरेटेड तीनों में सेम है, तीनों में रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है, तो बैटरी वही है, रेजिस्टेंस मान लो R हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा भाई, पैरेलल में रेजिस्टेंस R आएगा, और टाइम T जो कि हमें निकालना है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये तीन इक्वेशन बने, और अगर मैं इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा तो मुझे टाइम T चाहिए, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट टाइम T। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देते हैं, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ठीक है, चलो इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ से मुझे V² T1 और R1 इज इक्वल टू V² T2 R2, क्योंकि हीट सेम है, हीट एनर्जी सेम दी जा रही है, तो V² ने V² को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से बन जाए T1 / T2 = R1 / R2, और T1 / T2, T1 पहले मिनट में 10 था
और दूसरे में टी टू 40 दिया 40 मिनट्स में, तो यह आ जाएगा आर वन अपान आर टू, मतलब ये आ जाएगा आर टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 टाइम्स आर वन आ जाएगी। ये इन दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन आ गया बच्चों ये। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे ये दोनों अगर कॉइल आपस में ये दोनों कॉइल आपस में पैरेलल में हैं तो नेट रेजिस्टेंस इनका आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर वन आर टू और यह आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और आर टू 4 टाइम्स आर वन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर वन और 4 टाइम्स आर टू 4 टाइम्स आर वन डिवाइडेड बाई एक 4 टाइम्स आर वन दैट इज 5 आर वन, तो आर वन ने आर वन को ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 आर वन अपॉन 5 दैट इज नेट रेजिस्टेंस। ये इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे अब इस इक्वेशन को टी निकालना है, इस इक्वेशन को फर्स्ट या सेकेंड से किसी से इक्वेट कर दो और उसके बाद कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इक्वेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेशन को बराबर कर देते हैं। तो वी स्क्वायर आर वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर नेट रेजिस्टेंस आर मल्टीप्लाइड बाई टी, जो कि हमें चाहिए। तो वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, टी वन की वैल्यू 10 है और आर वन इसको ऐसे रहने देते हैं और वन अपन आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं 4 आर वन और ये 5 ऊपर चला गया और टाइम टी मल्टीप्लाई कर दिए जो कि हमें चाहिए। तो आर वन ने आर वन को ख़त्म कर दिया तो फाइनली जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 अपन 5, तो ये आ जाएगा 8 मिनट्स। टाइम किस में लिए थे, मिनट्स में सब था, तो सोल्यूशन भी मिनट्स में ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, तो 8 मिनट्स इसका फाइनल सोल्यूशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से, दैट इज ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो